यार बेड लक देख रहे हो कैसे फंस गई है। तो अब ये कि बोल रहे हैं आधा सामान जो है वो इधर उतरेगा, उसके बाद कोई देखेंगे मतलब सीन होगा, क्योंकि इसमें वजन बहुत है। फिर हैरानगी की बात तो ये है कि पहली बार मतलब जिंदगी में जब से मैंने ये शॉप खोली ना, तो आज मैंने सवेरे शॉप खोली आई थिंक 7 बजे। मतलब जिंदगी में तो मतलब सारी जिंदगी थोड़ी मैंने काम किया, ये कि जब से मैंने खोली है शॉप तो आज 7 बजे मैंने खोली है सुबह सवेरे। ठीक है, जो भी बंदा यहाँ से गुजर है ना वो यूं झांक के देख रहा है, मतलब सुबह सुबह कौन आ गया। जो मेरी टाइमिंग है शुरू में तो थी तकरीबन आई थिंक 9 बजे थी, उसके बाद जो है 10 हुई 11, अब कभी कभी 12 बजे भी हो जाता है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, सोचा कि आज भी ब्लॉग बना दिया। आज जो है ना बहुत ही बड़ा दिन है, आज क्या क्या होने वाला है और कहाँ जाएंगे किस लिए जाएंगे वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये देखो ये कितना कितना जबरदस्त बंदा हमारे मोहल्ले में, देखो घर में हमें चाय नहीं मिलती, हमें यहाँ देखो मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आप सोच रहे होंगे पहली बार इस बंदे के मुंह से बिस्मिल्लाह सुन रहे, तो यार आज बहुत ही सवेरे मतलब उठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा एक पहला ब्लॉग था, पहला आई थिंक, वो शायद मेरे उस चैनल पे हो या ना हो मुझे पता नहीं है, एक वो ब्लॉग और ये आज का ब्लॉग इतने सवेरे बना रहा हूँ, वरना तो 11-12 बजे के बाद शूट होती है। तो अभी यार मैं प्लॉट पे आया हूँ, पीछे जो है वो ईंटें उतर गई है, थोड़ी देर में वो आने वाली है, रेती बोलते हैं पता नहीं क्या उसको। उसके बाद जो है ना काम अभी चल रहा है वहाँ पर खुदाई। मैं जैसे दुकान पे गया ना आज, मैंने खोली थी 7 बजे, तो वहाँ पर सीन ये हुआ कि सारे बंदे यूं घुस घुस के देख रहे हैं, मतलब इसने आज सुबह कैसे मतलब सवेरे कैसे खोल ली। आज मतलब उन बंदों से भी मैं सवेरे आए जो सबसे पहले आते, क्योंकि मेरी जो आंख खुली थी वो खुली थी 5:30 बजे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तूने नमाज शायद पढ़ी नहीं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोया इस नीयत से था कि तहज्जुद पढ़ सकूं, लेकिन नहीं पढ़ पाया। मैं जो ना एक बंदे की जो एक मतलब दिल की ख्वाहिश होती है ना, वो जो अगर पूरी होने पर आए मतलब यार क्या बताऊं मैं। तो वो मतलब सारे एक तो मैं 11:30 बजे फिक्स मिस हो गया। मैंने बोला यार आज के बाद टाइमिंग ये रखनी है, क्योंकि यार देखो मैं देर से इस वजह से होता हूं, मुझे जो है ना वीडियोस एडिट करनी पड़ती है। ठीक है, वीडियो एडिट करने में मुझे रात के 3-3 बज जाते हैं। मुझे यहाँ से आ गई थी कॉल कि भाई आ जाओ सामान वगैरह उतर के पेमेंट वगैरह कर दो। तो मैंने आया जैसे वहां पर मैंने पेमेंट वगैरह दी, यार अभी टाइम 12:30 हुए, तो यहाँ पर जो मिस्त्री खड़े थे, मिस्त्री तो नहीं है वो मजदूर है, ठीक है, उन लोगों ने बोला भाई 12:01 बज गए, हमारा काम खत्म, हम जा रहे हैं। हमें जो है ना वो टेंशन नहीं, क्योंकि हमने काम दिया हुआ है ठीक है पर। ठीक है, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया 2 हफ्ते का। एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूँ यार, अभी सीन ये है कि मैं जो हूँ वो बनवा रहा हूँ बेसमेंट। ठीक है, वो किस वजह से नीचे बनेगा मेरा स्टूडियो, काम आपका भाई पक्के कर रहे, मैं यहाँ पर रख के बात करूँ। तो बेसमेंट जो है ना वहाँ पर ये होगा पूरा आधा आधा हिस्सा जो है ना, आधा पोर्शन तो बेसमेंट होगा, सारा नीचे स्टूडियो होगा, सारा सीन जो है ना वहाँ पर वीडियोस वगैरह शूटिंग सेटअप सारा वहाँ पर मेरा, हर चीज मतलब हर सेटअप मेरा, लाइटिंग वगैरह ये मतलब सारी चीजें नीचे, ऊपर एक रूम होगा, नीचे सारा बेसमेंट में ये सारी चीजें होंगी। उस बेसमेंट के लिए भी जो है ना वो खुदाई करेंगे। तो चल मतलब काम अपने दिल पर करवा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने चाहा था, जो हुआ मेरे मालिक के लाख एहसान से लायक नहीं हूं मैं। चले पहले चलते मैं आपको थोड़ा काम दिखाता हूँ, उन्होंने जो है ना कितना कितना काम किया है। अभी यार ये पीछे से देख रहे हो ये रेती की ट्राली आ रही है, तो अभी इसको वहाँ पर जगह पे उतरवाना है। इनको पता नहीं था जो है ना वहाँ, ये तो कुदरतन मेरी नजर पड़ गई इनके पे, तो जो है ना मैं चला गया यहाँ पर। शादे भाई हमारे साथ हैं। ये झूठ बोल रहा है सारा। भाई मसला हो गया है, ट्राली जो है वो फंस गई है जमीनवा में, तो हम अभी जावत रहे हैं इका देखें कैसे निकलेगी। हमार गोला पे खड्डे बहुत हैं, ये सामने देखो ट्राली जो है वो फंस चुकी है। बेड लक देख रहे हो कैसे फंस गई है। तो अब ये कि बोल रहे हैं आधा सामान जो है वो इधर उतरेगा, उसके बाद कोई देखेंगे मतलब सीन होगा, क्योंकि इसमें वजन बहुत है, अराउंड 6 फट्टे लगे हुए इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मट्टी देखो भी पूरा दफन हो जा रहा है बंदा, देखो 6 फट्टे इसमें लगे हुए हैं। और 1, 2, 3 अब यार ये बोल रहे हैं कि जो रहती है वो यहीं पर थोड़ी मतलब आधी उतार दें, उसके बाद जो है ना थोड़ी वहाँ पर छोड़ के, क्योंकि गाड़ी को जितना जोर दे रहे हैं वो नीचे दबती जा रही है।
अभी यार ये भी रेती भी उतर गई है पूरी फाइनल, ठीक है। तो अभी ये है जो ना ईंटें भी और रेती भी, थंबनेल के लिए एक पिक्चर होनी चाहिए। यार अभी वहाँ से तो मैं वापस आ गया, अभी ये कि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो अभी किसी रेडी के पास खड़ा हो गया मैं, जो है ना नीम चावल खाए थोड़ा, मतलब भूख के मारे फट चुकी है। सुबह से लेकर ऐसे ही निकला, मतलब 5 बजे उठा था, 5 बजे से कुछ नहीं खाया, कुछ खाते हैं। कटभर कहाँ जा रहे हो आप? सखर जा रहे हो, ये आपका सामान माशाल्लाह से इतना है उधर। ओए दूध गिरा गया, दूध मांगोगे खीर देंगे खीर मांगोगे चीर देंगे। ये हेलमेट हेलमेट है इसका, ये देखो ना एक लड़के जा रहा है कटभर। कहाँ जा रहे हो यार बता दो सही। मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। किधर शिफ्ट हो रहे? कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं, मैं गाँव शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके जाओ दूध पाओ।